गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं PYQ लेके, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया, PYQ स्टार्ट किया, तो मैंने आपको कहा था कि मैं हर एक ईयर के, यानी कि 2015 से लेके 2022 तक जितने NDA के एग्जाम हुए हैं, उन सब के PYQ करवाऊंगा और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज फिर मैं आपके साथ 8-9 क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूं और आज फिर हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का रहेगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ गांधी जी पोलिटिकल आइडियाज। बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा है NDA 2016 का, 2016-1 का ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन इन्होंने दिया है, जिस प्रकार हम इसके ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है हेनरी डेविड थ्रो, जॉन रस्किन, जॉन मिल्टन, जेनिज्म। अब बच्चों, इनमें हमें करना सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब बच्चों, जब हम इसके आंसर पर जाते हैं कि गांधी जी को पॉलिटिकल डेवलपमेंट का आइडियाज किसने दिया या कैसे आया गांधी जी के पास, तो बच्चों इसमें हमारे पास राइट आंसर रहेगा हेनरी डेविड थ्रो, फर्स्ट तो ये रहेगा, सेकेंड रहेगा जॉन रस्किन, और थर्ड इसमें रहेगा जेनिज्म। यानी कि गांधी जी जैन धर्म से भी प्रभावित थे और हेनरी डेविड और जॉन रस्किन से भी प्रभावित थे, बट बच्चों गांधी जी का जॉन मिल्टन के साथ कोई संबंध नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, यानी कि 1, 2 एंड 4, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रह्मा समाज इज आर करेक्ट, कि ब्रह्मा समाज के बारे में बच्चों इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट मांगी है। ब्रह्मा समाज किसने बनाया था, किसने नहीं बनाया था, या ब्रह्मा समाज की पूरी स्टेटमेंट यहां पे दी गई है। अब बच्चों, जब हमने ब्रह्मा समाज को कवर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा समाज ये वो सोशल रिफॉर्म थे जिस समय हमारे देश में या इंडिया में ब्रिटिशर का राज था, और ब्रिटिशर के राज में यहां पे सती प्रथा, इन्फेंटिसाइड, विडो रिमैरिज, ऐसी प्रॉब्लम्स भारत में चल रही थी, यानी कि छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था। और बच्चों, भारत के पहले सोशल, यानी कि मॉडर्न इंडिया के पहले सोशल रिफॉर्मर है ब्रह्मा समाजी। तो बच्चों, इसमें जब हम स्टेटमेंट देखते हैं, तो हमें स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट मिलती है द ब्रह्मा मैरिज एक्ट ऑफ 1872 अलाउड इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिज ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी नॉन हिंदूज। तो बच्चों, इसका पहला ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा वो बच्चों राइट ऑप्शन है, यानी कि ए जो इसमें स्टेटमेंट दी गई है वो राइट स्टेटमेंट है। इसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं, केशव चंद्र सेन अरेंज्ड द मैरिज ऑफ हिज माइनर डॉटर विद द महाराजा ऑफ वर्धमान। बच्चों, अरेंज इन्होंने मैरिज जरूर की थी और उनकी डॉटर भी माइनर थी, बट बच्चों ये केशव चंद्र सेन जो अपनी डॉटर की मैरिज कर रहे हैं, ये ब्रह्मा समाज के बाद नव ब्रह्मा समाज बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपनी बेटी की मैरिज अरेंज करते हैं। तो उनके जो केशव चंद्र सेन का नव ब्रह्मा समाज था, उसमें फिर से विभाजन हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें क्या रहेगा बच्चों, यानी कि जो 2 नंबर है वो हमारा यहाँ पे गलत रहेगा। अब इसके बाद जो हम इसकी थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं, केशव चंद्र सेन फॉलोअर ब्रोक अवे टू फ्रॉम द नव ब्रह्मा समाज। बच्चों, ये स्टेटमेंट भी हमारी पूरी तरह जब हम देखते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह गलत साबित होती है, क्योंकि केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर थे, उन्होंने बच्चों ब्रोक नहीं किया था। एक्चुअल में ये क्यों ब्रोक हो गया था ब्रह्मा समाज, उसके पीछे रीजन था, केशव चंद्र सेन का जो समाज आया वो ब्रोक इसलिए हो गया था क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी माइनर डॉटर की मैरिज कर दी थी वर्धमान के राजा के साथ। अब बच्चों, अगली बात हम करते हैं, द ब्रह्मा समाज ग्रू फ्रॉम ए स्मॉल एलाइट ग्रुप टू ए मास मूवमेंट इन द 19th century। बच्चों, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत रहेगी, तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास रहेगा बच्चों, उसकी अगर हम बात करें, तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर रहता है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए रहेगा बच्चों। इसके बाद जब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
अब बच्चों कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पूछा गया पेरिप्लस इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग सेल्टिंग अराउंड। बच्चों बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि एक एंशियंट हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए एक बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, और ये पेरिप्लस वर्ड है ये उसी बुक से रिलेटेड यानी कि ग्रीक वर्ड है। तो पहला जो ऑप्शन रहता है हमारे पास वो राइट रहता है। इसके बाद बच्चों दूसरा ऑप्शन, एरिथियन वाज द ग्रीक नेम ऑफ द मेडिटेरियन सी, यानी कि ये मेडिटेरियन सी का नेम है। तो बच्चों ये गलत है क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एक बुक थी और ये एक बुक का नेम है, इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ए। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन बच्चों जब हम बात करते हैं तो ये भी एनडीए 2016 सेकंड का रहेगा, यानी कि सितंबर में जो एग्जाम हुआ 2016 का सेकंड एग्जाम का ये क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके बाद बच्चों हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ नील दर्पण पब्लिशड इन 1860। ये बच्चों एनडीए 2016 सेकंड का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था 1857 के बाद यहां पे एक और मूवमेंट हुआ था बंगाल में 1859-60 में, 1859-60 में मूवमेंट हुआ। और वो बच्चों मूवमेंट क्यों हुआ, तो बंगाल में बच्चों उस समय नील की खेती की जाती थी जिसको बोलते थे इंडिगो एग्रीकल्चर, और इंडिगो एग्रीकल्चर जब किया जाता बच्चों तो इस समय तक सिंथेटिक कलर आ चुके थे, और सिंथेटिक कलर आने की वजह से नील की डिमांड में कमी हो गई। दूसरा, नील के जो बागान मालिक थे वो किसानों का शोषण कर रहे थे, और किसान अपनी जमीन के ऊपर अनाजों की खेती करना चाहते थे, और जो नील मालिक थे यानी कि बागानों के मालिक थे वो जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से बच्चों एक नील इंडिगो मूवमेंट हुआ। और इंडिगो मूवमेंट को किसने बताया, तो बच्चों नील दर्पण एक बुक थी जिसमें इंडिगो मूवमेंट के बारे में बताया गया। अब बच्चों इसके ऑप्शन पे चलते हैं, तो रिवेंड जेम्स लॉन्ग, ये बच्चों इसका गलत ऑप्शन है, इन्होंने नहीं बताया। माइकल मधुसूदन दत्ता, ये भी बच्चों इसका गलत ऑप्शन है। राजा राम मोहन राय, ये भी बच्चों इसका गलत ऑप्शन है। दीनबंधु मित्र, बच्चों दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इसके बारे में बताया, और ये बुक पब्लिश हुई 1860 को। तो बच्चों हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, डी, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं एनडीए 2016 सेकंड का ये क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय द ज्योतिदा राव फूले इन 1873, कि भाई ज्योतिदा राव फूले ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, यानी कि कौन सी सभा को स्टार्ट किया, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों पहला है प्रार्थना समाज, बच्चों ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, प्रार्थना समाज इसमें नहीं रहेगा। बहुजन समाज, ये भी नहीं रहेगा। जस्टिस पार्टी, बच्चों ये भी नहीं रहेगा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा फोर, सत्य शोधक समाज ज्योतिदा राव फूले ने स्टार्ट किया था 1873 में, और ये महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों हमारा एनडीए 2016 सेकंड से रिलेटेड है, यानी कि 2016 के एनडीए के सेकंड एग्जाम से रिलेटेड है, और ये बच्चों इस क्वेश्चन में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट इज आर करेक्ट। अब बच्चों इन्होंने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी है कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या थी। तो बच्चों जब हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेते हैं, द मूवमेंट रिसीव्ड मैसिव रिस्पांस फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स एंड पीजेंट्री। अब बच्चों ये देखो, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया कि भाई ये मूवमेंट किसको लेके था, ये इस मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो पीजेंट्री यानी कि किसान, और किसान के साथ साथ व्यापारी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बच्चों ये जो हमारा स्टेटमेंट वन रहेगी वो राइट स्टेटमेंट रहेगी। इसके बाद बच्चों सेकंड की बात करते हैं, द मूवमेंट कंसाइडेड विद लार्ज स्केल लेबर अपसर्ज इन द महाराष्ट्र। बच्चों मैंने आपको बताया था जब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को हम कवर कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की लेबर यानी कि बॉम्बे की लेबर ने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा ऑप्शन दो भी इसमें क्या रहेगा, राइट रहेगा। इसके बाद बच्चों थर्ड, द मूवमेंट वॉज मार्केट बाय द मास
पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स एंड स्टूडेंट्स, बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मैंने आपको बताया था वकील और स्टूडेंटों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और इसी समय ये वो समय था जब हमारे यहाँ पे नेशनल एजुकेशन को लेके यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा को लेके बहुत से कॉलेज और स्कूलों की स्थापना की गई। तो बच्चों इसमें अब हमारे पास आंसर है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक दो तीन, तीनों स्टेटमेंट राइट है, और हमें ऑप्शन क्या देखना है जिसमें तीनों स्टेटमेंट राइट हो, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है डी, यानी कि इसकी तीनों स्टेटमेंट हमारे पास राइट रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कोरियोग्राफर इन अकबर कोर्ट हु वॉज होनर्ड विद द टाइटल जरीन कलाम ऑफ गोल्डन पेन। बच्चों इन्होंने पूछा कि जरीन कलाम यानी कि टाइटल, एक्चुअल में टाइटल बच्चों क्या होता है, टाइटल उसे बोलते हैं जो नेम के आगे टाइटल लगाया जाता है, और इन्होंने कहा कि ये टाइटल जो अकबर की कोर्ट में टाइटल दिया गया वो जरीन कलाम, जो गोल्डन पेन का टाइटल है वो किसे दिया गया। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा सी, मोहम्मद हुसैन को ये टाइटल दिया गया था। तो आपका राइट आंसर सी रहेगा। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बच्चों जो क्वेश्चन आया था वो 2017 एनडीए फास्ट का क्वेश्चन रहा हुआ है ये, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो भी 2017 फास्ट का क्वेश्चन है। Who among the following was the author of the बादशाह नामा, कि बादशाह नामा भाई किसने लिखा। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, बादशाह नामा किसने लिखा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, देखो अब्दुल हामिद लाहौरी, तो बच्चों इन्होंने बादशाह नामा को लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी, इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ अबुल फजल शाहजहां सदुल्ला खां, इन्होंने बच्चों नहीं लिखा था बादशाह नामा, तो ये आंसर आपके रॉन्ग आंसर रहेंगे, लेकिन राइट आंसर आपका ए रहेगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, हम कल फिर इसी टाइम मिलेंगे आपके साथ फिर से 8 या 9 क्वेश्चन लेके जो कि PYQ रहेंगे, और धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब जिन बच्चों ने एनडीए की तैयारी अभी से स्टार्ट की है वो बच्चे ये PYQ क्वेश्चन करके भी इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है बच्चों इन्हीं क्वेश्चनों को, इनकी स्टेटमेंट को अलग तरीके से करके यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किए जाए, बट इनकी स्टेटमेंट अलग हो सकती है, इसलिए आपको PYQ क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। और बच्चों दूसरा, आप वॉरियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच पाए जो कि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और वो हिस्ट्री यानी कि जो GAT में हिस्ट्री रहेगा उसमें आपके फुल मार्क्स लेके आ पाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।